कोरोना के बाद एक और छठ महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा था। बिहार में लोग मस्ती कर रहे थे, भगवान भास्कर को छठवर्ती अर्घ दे रहे थे। लेकिन इसी दरमियान गुजरात से एक बड़ी खबर सामने आ गई, जिससे पीएम मोदी भी भावुक हो गए। आपको बता दें कि गुजरात के मोरबी जिले में रविवार के शाम केबल सस्पेंशन ब्रिज टूटने की दुर्घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो न्यूज पीआर आपको दिखा रही है। इसमें देखा जा सकता है कि ब्रिज पर लोग आराम से खड़े हैं, क्योंकि यह स्विमिंग ब्रिज था जो झूले की तरह अनुभव देता था, इसलिए कुछ लोग इसे हिला भी रहे थे। तभी ब्रिज के तार टूट जाते हैं और पलक झपकते ही पुल पर खड़े लोग नीचे बह चुके मच्छू नदी में गिर जाते हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में कुछ लोग को तैरकर नदी से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है। आपको बता दें कि इस हादसे में कुल 143 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा। SDRF NDRF की 21 बटालियन टीम, जो कि एक्सपीरियंस से भरपूर है, वह इस नदी में अब रेस्क्यू ऑपरेशन करने को तैयार हो गए हैं। यह ब्रिज मरम्मत के लिए 7 महीने पहले बंद थे। बंद के बाद 26 अक्टूबर को ही पब्लिक के लिए ओपन किया गया था और 4 दिन के बाद इतना बड़ा हादसा हो गया। दुर्घटना के बाद ब्रिज की मरम्मत और रखरखाव करने वाले ओरोवा कंपनी के खिलाफ IPC की गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कर ली गई है। मोरबी पुलिस ने कंपनी के 9 कर्मचारियों को हिरासत में लिया। इनमें 2 मैनेजर, 2 टिकट क्लर्क, 3 सिक्योरिटी गार्ड और 2 रिपेयरिंग कंट्रेक्टर शामिल हैं। गुजरात ATS राज्य खुफिया विभाग और मोरबी पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी के बाद इन्हें पकड़ा है। सभी 9 लोग के खिलाफ भारतीय दंड संहित धारा 304, 114, 308 के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस इससे पूछताछ कर रही है, शाम तक इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। इस ऐतिहासिक पुल की मरम्मत और रखरखाव का टेंडर हाल ही में ओरेवाक नाम की कंपनी को मिला था। टेंडर की शर्त के अनुसार कंपनी को मरम्मत के बाद अगले 15 सालों तक इस पुल का रखरखाव करना था। मोरबी पुल हादसे की जांच के लिए गुजरात सरकार ने 5 सदस्यीय विशेष टीम दल गठन किया। इस 5 सदस्यीय दल में RNDB के सचिव संदीप वसाव, IPC राजकुमार बेनीवाल, IPS सुभाष त्रिवेदी, चीफ इंजीनियर एस पटेल तमाम शामिल हैं। आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है NDRF की टीम को, क्योंकि जिस गंगा में यह दुर्घटना हुई है वहां जलकुंभी जो बोला जाता है वो जमे हुए हैं और मिट्टी भरपूर है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन करने में समस्याओं का सामना आ रहा है। रात के मुताबिक दिन की अगर बात कर ली जाए तो पानी को भी कम किया जा रहा है, मिट्टी की कटाव की जा रही है, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन अच्छे स्तर और तमाम गतिविधियों पर हो सके। वहीं SDRF की टीम का कहना है कि हम लोग रात भर से रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, तमाम गतिविधि पर हम लोग ध्यान दिए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पटना।